Checklist.io. पहले स्पीति का टूर प्लान किया था तो मिशन इम्पॉसिबल हो गया था। तो स्पीति का टूर मिशन इम्पॉसिबल तो अब भी था, पर इसको हमने किसी तरह पॉसिबल कर लिया। तो अब हम चले हैं मिशन स्पीति की तरफ, लेकिन इस बार रास्ता टोटली डिफरेंट है। तो आपको है ना नई नई चीज़ें दिखाएंगे आपको। पहले तो हम लेके चलेंगे जो इंडियाज़ मोस्ट डेंजरस रोड है, तो आपको मोस्ट डेंजरस रूट दिखाएंगे, उसके बाद हम स्पीति जाएंगे। तो हो सकता है पिछली बार कुछ कैंसिल हुआ हो, तो अच्छे के लिए हो, तो ये भी हो सकता है कि हमने प्लान किया कि डेंजरस रोड पे भी चलेंगे। ये पहले प्लान नहीं था हमारा अगर हम पहले जा रहे थे तब। तो इस बार देखते हैं। और हम निकल लिए हैं जीन से और टाइम हुआ है 8 बज गए और देखते हैं। अब आज का प्लान ये है कि हम कहाँ रुकना है हमने संदीप? डलहौजी रुकना है, और हमारे ट्रायो ट्रैवलर में से जो तीसरा ट्रैवलर है हमारा, वो हमारे को डलहौजी में ही मिलेगा रात को। तो सुबह मिलेगा वो, मोस्टली वो सुबह तक बाय डलहौजी पहुंच जाएंगे। तो आपको मिलवाते हैं तब ट्रायो ट्रैवलर से भी, तीसरे हमारे ट्रैवलर से। और तब तक आपको यहाँ रास्ते में बहुत कुछ है नहीं ज़्यादा देखने के लायक, तो आपको पंजाब से क्रॉस करने के बाद आपको व्यूज़ दिखाएंगे आपको। तो पहुँच गए हैं लुधियाना, और लुधियाना बाईपास से निकल रहे हैं। और लुधियाना वालों की तो आवाज रखी, एक तो गया हुआ है उत्तराखंड और दूसरा अपने घर में दुबक के बैठा है। तो हमने सोचा कि चलो हम बाईपास करके सीधा जलंधर चले जाते हैं, क्योंकि हम भी लेट हो रहे हैं, डलहौजी पहुंचना है, तो जाके कुछ एक्सप्लोर कर लेंगे डलहौजी के अंदर जाके। लो जी दोस्तों, हम पहुँच गए हैं पठानकोट। पठानकोट यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर दूर रह गया। 2:05 और हमें ड्राइविंग करते हुए हो गए 6 घंटे। 6 घंटे नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है, और किलोमीटर है हमने अराउंड 370 किलोमीटर के आसपास हमने 6 घंटे में चला दी गाड़ी। तो ऑन एंड एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर ही आई है स्पीड। तो एक्चुअल में ना लुधियाना के बाद थोड़ा सा ट्रैफिक रहा है, इस वजह से स्पीड कम रही है। अदरवाइज लुधियाना तो हम 3 घंटे में पहुंच गए थे। 3 घंटे में हमें आगे पठानकोट पहुंचने में लगे। और जो अभी लंच हमने किया नहीं है क्योंकि नॉन स्टॉप चल रहे हैं, और वॉशरूम भी हमने किया है, तो थोड़ा सा अभी फ्रेश होते हैं, रुकते हैं और खाना खाते हैं, और फिर हम डलहौजी के लिए चलते हैं। पहुँच गए पठानकोट में, और ये टर्की है, और ये क्या है जंगली, ये क्या है, ये कौन से वाले हैं? ओके, ये गिन रैबिट छोटे वाले, ये छोटा होगा ना फिर, ये भी टर्की छोटा होगा, और ये डक होगी, और ये क्या है? ओके है ना, ना वो नहीं है। और ये देखो जी वाइट कबूतर, और पीछे वो दूसरे का सेट। लो जी हम हिमाचल की वादियों में एंटर कर गए हैं, और हल्की हल्की पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं यहाँ पे। और हमने करीब 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, 1 घंटे का ब्रेक लेकर अब हम आगे चले हैं। दोस्तों हम है ना जस्ट अभी जा रहे थे, तो एक ऐसी लोकेशन पे आए हैं, मतलब देखोगे तो मन बाग बाग हो जाएगा। आपको लोकेशन दिखाता हूँ मैं कौन सी है, आप उधर देखो। ये देखो, ये रणजीत सागर डैम, चौधरी रणजीत सागर डैम है जी। ये पूरा ये
डैम का एरिया है। लो जी दोस्तों, अब हमने सिंधु दा ढाबा, कौन सा गांव था, धार सुखरात, सुखरात गांव के अंदर हमने यहाँ पे खाना खाया। बहुत ही बढ़िया खाना था। और उसके बाद यहाँ पे आइसक्रीम ली हमने, एक तो चोकोबार ली और एक हमने पिस्ता वाली, वो वाकई बहुत टेस्टी थी। और ये ही नहीं पता लगा कब, हम गिनती तो रखी ही नहीं हमने कितनी खा गए, बाद में बता रहा जी आप इतनी खा गए, बट ऐसा खाना भी अच्छा लगा हमें कुल मिला के। और एक इसने है ना स्पेशल यहाँ की चटनी होती है, वो भी वाकई बहुत बढ़िया थी। उसी के चक्कर में हम खाना भी ज़्यादा खा गए और आइसक्रीम के चक्कर में आइसक्रीम भी फालतू खा गए। अब हम चलते हैं आगे के लिए, डलहौजी के लिए। आइसक्रीम अलग ब्रांड की थी फर्स्ट टाइम। हाँ मतलब अपने रूटीन में जो ब्रांड्स यूज़ होते हैं वो नहीं थी, बट लेकिन अच्छी थी कुल मिला के। लो जी अब हमारे दिन फिर गए हैं भाई। पहले तो आधी सड़क थी राइट साइड वालों की, तो हमें गाड़ी इधर होके चलानी पड़ रही थी। अब हमारे दिन आ गए हैं जी, हमारे वाली सही हो रही है और दूसरे वाली, लेकिन इसका नुकसान देख ये ऑटो वाला, इसके मारे जूत टांट में देवे इसके एक। मतलब सड़क खराब है या तो सरकार इसको पूरा बनाए, इसकी वजह से ऑटो वाले हैं, कोई और है मोटरसाइकिल वाला है, क्योंकि साइड वाली सड़क बिल्कुल टूटी पड़ी है, क्योंकि हम भी आ रहे थे तो टूटी हुई थी। तो ऑब्वियसली हर किसी भी ड्राइवर का मन तो करेगा कि भाई गाड़ी स्मूथ चले, इतने खड्डों में कौन चलाएगा बताओ। तो इसकी वजह से क्या है कि अभी ये ऑटो वाला आपके सामने था, आपने देखा वो एक्सीडेंट हो, मतलब लेके आ रहा था इन फुल स्पीड पे, लेकिन देखो दूसरी तरफ बिल्कुल टूटी हुई है। तो मतलब सरकार को या तो पूरी बनाए। ये देखो ट्रक वाले भी इस रूट पे चल रहे हैं बताओ, ये भी उतार के लेके जाते हैं, दूसरी गाड़ी वालों को दिक्कत होती है। जबकि भी क्या होती है पावर नैप, ईवीएफएल एक्टिव हो गए हैं, चश्मा चुश्मा उतार के। अच्छा जो सो रहे थे चश्मा लगा रखा था आपने देखा होगा, चश्मा लगा रखा था ही नहीं लगा रखा था, वीडियो बनाई होगी जरूर। अब ये पता चला कि आप वीडियो तो बनाई थी हमने, कहता भाई पावर नैप ले और वीडियो ना बने, ऐसा हो सकता है। लो जी ये झरना है बट पानी नहीं है इसमें। झरना काहे का है ना, नाम झरना तो है लेकिन पानी अब नहीं है ना। है ना कोई जगह बढ़िया सी नहीं आ रही जहाँ से मैं ड्रोन शॉट लेना चाह रहा हूँ। मतलब मैं ये चाह रहा था कि चलो अब हम डलहौजी पहुँच गए हैं, कोई आसपास अच्छी सी लोकेशन देख के बढ़िया सा एक ड्रोन शॉट लूँ, लेकिन वो बात नहीं है, मजे वाली बात है। देखते हैं फिर भी आगे डलहौजी पहुंच के ऊपर। और ये है जी अपनी चंबा की बस और हमारा डलहौजी, हम पहुंच चुके हैं और गाना भी लग गया है कि पर्वत के पीछे। और बिल्कुल पेड़ों के बीच में से यूं लग रहा है कि क्या बात है, बताओ गाना भी चंबा का लग गया। तुम चंबा रोड भी चल पड़े, चंबा 45। ओके तो अपने किला दोस्तों हम पहुंच गए डलहौजी। और
जाम बहुत है यहाँ पे, जाम इतना है कि पूछो मत। एक्चुअल में ना इस टाइम सीजन है यहाँ पे, तो इस टाइम जाम तो मिलना ही था। वो क्या जगह है वाकई, ये डलहौजी पब्लिक स्कूल है, BPS, क्या बात है। एक DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल है, एक ये है DPS, भाई साहब देखो तो सही क्या बढ़िया, मतलब ग्रीनरी है, बढ़िया रोड्स के ऊपर बच्चों के पौधे लगा रखे हैं, सब कुछ है, गजब। ये देखो मिसाइल टॉरपीडो। ओके, यहाँ टॉरपीडो का क्या काम है, सिंपल। ये देखो टैंक भी है, एयरप्लेन भी है, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ इसको। दोस्तों हम पहुंच गए हैं ये होटल स्टेला कैफी बाय मैंगोज, और ये टोटल व्यू देखो यहाँ का, दूर तक। बस आज ड्रोन शॉट उड़ाना था, लेकिन ये मिलिट्री एरिया है इसलिए हम उड़ा नहीं रहे यहाँ पे ड्रोन। बीजी पार्क और बहुत ही खूबसूरत मिसाइल्स भी है, प्लेन भी, क्या बात है। बच्चों के लिए फुल एंटरटेनमेंट है यहाँ पे, बच्चे तो बहुत खुश हो रहे हैं। और बच्चों का स्कूल है जो कि आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, इंडियन आर्मी द्वारा, इंडियन आर्मी द्वारा ना है, लेकिन पब्लिक स्कूल। ओके, ये देखो जी नाइट व्यू होटल आपने डलहौजी से, गजब का व्यू आ रहा है। देखो नीचे का क्या वैली है, जबरदस्त, और बहुत ही बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, गजब का मौसम है। दोस्तों आज बहुत ही बुरा दिन था, सारा दिन ट्रैवलिंग में बीता, और उसके बाद हम ऐसे जाम में फंसे, और डलहौजी के अंदर इतना जाम था, मतलब होटल में भी बाहर खड़ी करने की गाड़ी जगह नहीं थी, हमें वहाँ रूम छोड़ के हमें वापस बनी खेत आना पड़ा। हम 2.5 घंटे तक तो जाम में ही घूमते रहे, मतलब इसके अंदर। तो बनी खेत में हमारे मित्र हैं रणविजय सिंह पुनिया जी, उन्होंने ये होटल अभी जस्ट शुरू हुआ है तो उन्होंने ये बुक करवा दिया था पहले ही, बट हमारा प्लान था कि वहाँ डलहौजी में चलते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा मौसम ठंडा है, थोड़ा सा आपको व्यूज़ दिखाते, थोड़ा बहुत जो घूमना होता है वो घूम फार लिए। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि मतलब जाम इतना था कि खुद ही हम इतना दिमाग ख़राब हो गए, ना तो हम कोई व्लॉग वीडियो बना पाए, ना और है चर्च का नहीं दिखा पाए आपको। हाँ, आपको स्कूल डलहौजी पब्लिक स्कूल वो आपको हमने ज़रूर दिखाया, तो अब जो रूम लिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ रूम कैसा है। देखो संदीप को तंग हो गया था, मैं चलाऊँ सो के तू है तंग, फिर भी हम हो रहे हैं। और अच्छा, ये अच्छा है रूम, और बाथरूम काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है बाथरूम भी, और मैं आपको साथ में एक बालकनी भी है हमारे इसमें, तो मैं आपको दिखाता हूँ बालकनी भी। ये देखो ये है बालकनी, और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, और सामने पहाड़ियों का नज़ारा कुछ ऐसे ही है देखो। और ये पूरी बालकनी आपकी, तो ये हमें जो पड़ा हमें भी नहीं पता, ये तो
रन विजय बताएगा कितने का पड़ा कितने का नहीं हमें, बट आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। बट ओहो बुरी तरह थक गए कल, आपको आज कुछ दिखाने लायक था नहीं। बेसिकली डलहौजी एक बहुत कॉमन सा हिल स्टेशन है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है सीज़न के टाइम, तो बहुत बुरा हाल होता है वहाँ पे, तो इसलिए ना वहाँ पे दिखाने लायक कुछ था नहीं। तो हमने आपको चर्च वगैरह में कोई ख़ास नहीं है, ठीक है एक दो झरने थे लेकिन जाम इतना था, लेकिन वहाँ हम गए नहीं। आपको हम कल दिखाएंगे, इससे बढ़िया बढ़िया लोकेशंस दिखाएंगे आपको। तो कल हम आपको लेके चलेंगे इंडियाज़ मोस्ट डेंजरस रोड पे वाया सचपास होते हुए, कल हम जाएंगे किल्लाड़। तो अगर जिस भी भाई ने कोई हमारा एपिसोड नहीं देखा है, उत्तराखंड एक स्वर्ग है, वहाँ पे आप हमारे ब्लॉग्स देखिए, अल्टीमेट है लेह लद्दाख के ब्लॉग्स देखिए, और नेक्स्ट एपिसोड जो है वो अल्टीमेट प्लेजर होगा, अल्टीमेट एडवेंचर होगा, और मतलब इंडियाज़ मोस्ट डेंजरस रोड और वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस रोड्स में से एक है, जो आपको कल हम दिखाएंगे यहाँ से बनीखेत से होते हुए किल्लाड़ वाया सचपास। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, और तब तक गुड नाइट।